फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू मिलीज वर्ल्ड। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक फेशियल किट की। बहुत टाइम हो गया था मैंने कोई फेशियल नहीं किया था, और अभी तो पार्लर में जाना भी उतना सेफ नहीं, शेड्यूल की वजह से कोई भी पार्लर विजिट करना मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं। तो मैं सोच रही थी घर ही बैठे कुछ ऐसे फेशियल किट देखा जाए जो कि बहुत ईजी हो अप्लाई करने के लिए। तो मुझे फाइनली अमेजोन से एक फेशियल किट मिल गया, सो आई थॉट कि आप लोगों के साथ इसका रिव्यू मैं थोड़ी सी शेयर करती हूँ। मैंने अमेजोन से ये वाला फेशियल किट ऑर्डर किया था। यह है नेचर एसेंस ग्लोइंग गोल्ड फेशियल किट, और इस फेशियल किट में है प्री डीटैन थेरेपी। तो अगर आपके फेस पे कोई डीटैन वगैरह हो गया है तो इसको डीटैन को भी रिमूव करने का तरीका इस फेशियल किट में आपको मिल जाता है। फर्दर लेट नहीं करते हैं, शुरू करती हूँ मैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं मैं बता दूं उनके लिए, मेरा नाम है मिली और मैं लाइफस्टाइल, ब्यूटी और ट्रैवल के ऊपर वीडियोस बनाती हूं। चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ साथ आपको बेल नोटिफिकेशन को भी हिट करना पड़ेगा ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये फेशियल किट मुझे मिला है अमेज़न की तरफ से, और आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुकी हूँ। दिखा दूंगी कि इसे यूज़ करने का प्रोसेस क्या है। इस बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला फेशियल किट जो है वो ट्राई किया जाए। तो दिखा देती हूँ कि ये मुझे मिला है बॉक्स में, ये सारे ट्यूब्स हैं, सारे के सारे ट्यूब्स 15 ml के हैं। फर्स्ट जो आता है वो है डीटैन वाला पैक, उसके बाद स्क्रब वाला जो ट्यूब है वो। नंबर टू पे है फेशियल क्रीम। नंबर थ्री पे है फेशियल जेल, गोल्ड जेल, और नंबर फोर पे है फेशियल पैक। इसको यूज करना बहुत ही इजी है क्योंकि इसमें आपको इसके सारे ट्यूब्स में आप देख सकते हैं कि नंबरिंग किया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। पहले ये डीटैन वाला पैक अप्लाई करना है, बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो ट्यूब्स है वो उसको अप्लाई करना है। पैकेजिंग के बारे में बता दूं, जैसे बॉक्स पेपर बॉक्स में ये आता है, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है इसकी, और इसकी जो MRP है वो है 260 rupees। इसकी MRP फिलहाल मुझे अमेजोन से ये 208 rupees में मुझे ये मिला है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगी कि मैंने कौन से लिंक से मैंने इसको परचेस किया है, आप चाहे तो वो लिंक क्लिक करके आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। सो चलिए सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ कि मैंने इस किट को कैसे अप्लाई किया है, चलिए वो वीडियो देख लेते हैं। मैं बिल्कुल रेडी हूँ, अपने हेयर को भी मैंने टाइटली सिक्योर कर लिया है। सो सबसे पहले हम ये इस स्टेप को फॉलो करेंगे जो कि है प्री फेशियल प्रेप, है कि इसको यूज कैसे करना है। इस ट्यूब को यूज करना बहुत ही सिंपल है, सिर्फ अपने एम्प्टी स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करना है 10 minutes, और उसके बाद आपको इसको गीले कपड़े से पोंछ लेना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्लाई कर लिया है, अब वेट करना पड़ेगा 15 minutes। 15 minutes के बाद मैं एक गीले कपड़े से मैं इसको पोंछ लूंगी और फिर अप्लाई करूंगी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है। मुझे बहुत ही हल्का ब्राइटनेस फेस में ऐसा लग रहा है, बहुत फ्रेश लग रहा है। सो आई होप कि जब तक मैं ये पूरा किट खत्म करूंगी ये रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। सो चलिए मूव करते हैं हमारे सेकेंड स्टेप के ऊपर। सेकेंड जो हमारा स्टेप है वो है स्क्रब, इसको खोल लेते हैं। मुझे ये स्क्रब बहुत अच्छा लगा क्योंकि फेस के लिए जितना भी माइल्ड स्क्रब होता है ना वो ज्यादा बहुत अच्छा होता है। फेस के लिए बड़े वाले मोटे वाले दाने जो होते हैं वो अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा जो फेस होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो उसके लिए आप जितना माइल्ड इस्तेमाल करेंगे स्क्रब वो बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए। अभी आज तक अभी तक देखा है पार्लर में दीदी लोग जैसे करते हैं उसी का कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ। नोज के एरिया में हल्के हाथों से ज्यादा प्रेशर मत डालिएगा, जितना आपकी स्किन टॉलरेट कर सकता है उतना ही प्रेशर लीजिएगा, क्योंकि डेड सेल्स वगैरह सारा नोज के ऊपर इस वाले हिस्से में जमे होते हैं, तो बहुत ही ब्लैक ब्लैक सा स्पॉट आ जाता है, तो बहुत गंदा दिखता है वो। गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, आई डोंट नो कि आप देख पा रहे हो कि नहीं। सो ये स्क्रबिंग मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, तो अब मैं इस फेस को क्लीन कर लेती हूँ और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। मैंने क्लीन कर लिया है स्क्रब करने के बाद, अब जो बारी आती है वो है फेशियल क्रीम की।
सो चलिए मैं क्रीम निकाल लेती हूँ, फेशियल क्रीम निकाल लेती हूँ और नहीं लगेगा। फेशियल क्रीम मैंने ले लिया है और मैं हल्के हाथों से अपने फेस को मसाज करूंगी। मसाज मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम कर लेते हैं फेस को एक गीले कपड़े से वॉश। मुझे हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा सा ड्राई सा लग रहा है, शायद इसीलिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो है गोल्ड जेल का। गोल्ड जेल जैसा है सर, इसके अंदर गोल्ड की शिमर है, गोल्ड के पार्टिकल्स हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने आई एरिया को मैंने छोड़ के ही लगाया है, इरिटेशन मुझे इसी नोज एरिया के पास आ रहा है, इधर इधर पोर्स है वहां पे। अच्छा, इसको लगाने के बाद हमें कितना टाइम वेट करना है वो देखिए। मसाज करने के बाद आपको इसको ऐसे छोड़ देना है और नेक्स्ट जो स्टेप है उसको आपको अप्लाई करना है। अब जो हमारा लास्ट स्टेप है वो हम अप्लाई कर लेंगे, वो है गोल्ड मास्क। मैंने पूरे फेस पे लगा लिया है अपना फेस पैक, सो अब वेट करना पड़ेगा हमें 10 मिनट के लिए, जब तक ये सूख ना जाए। मैं चेहरा धो के आ चुकी हूँ, मेरा जो स्किन है वो बहुत ही लाइट वेट सा मुझे लग रहा है, बिल्कुल हेवी नहीं लग रहा है, ऐसे ड्राई सा खींचा सा नहीं लग रहा है ऑनेस्टली। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जो मैं फेस वॉश करने के बाद मुझे लगता है कि मैं कुछ टोनर वगैरह लगाऊं, कुछ मॉइस्चराइजर लगाऊं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है अभी तक। अच्छा लग रहा है और हल्का सा क्लीन भी हो चुका है मेरा फेस, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको भी कैसा लग रहा है स्क्रीन के ऊपर प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। सो ये था इसका यूज। आई होप कि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ कि इस फेशियल किट को कैसे अप्लाई करना है। अब बारी आती है इस फेशियल किट की रिव्यू के लिए। जो कि ये गोल्ड फेशियल है तो कोई भी स्किन टाइप के लोग इसको यूज कर सकते हैं, ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो और चाहे कि सेंसिटिव स्किन हो, कोई भी स्किन टाइप लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसको यूज करना बहुत ही इजी है, कोई भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी अगर फेस मसाज के बारे में पता है तो उसको अप्लाई करके पे बैठे ही फेशियल कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे इससे सबसे अच्छी जो बात लगी है वो है उसकी डिटैनिंग पैक, जो आपको पहले ही अप्लाई करना है। जब आप फर्स्ट टाइम इसको डिटैनिंग पैक को अप्लाई करते हैं तब आपको विजिबल डिफरेंस आपको दिखाई देता है कि स्किन मतलब फेस में एक अचानक से एक ग्लो आ जाता है, जितना भी टैनिंग होता है वो। 15 मिनट्स उस डिटैनिंग पैक को आपको आपके फेस पे रखना है और 15 मिनट्स लेटर आप जो अपने फेस के ऊपर ग्लो देखते हैं तो उससे आपको पता चल जाता है कि हाँ, टैन आपका रिमूव हुआ है। बहुत ड्राई है, मतलब सुबह उठ के अगर फेस वॉश मैं कर लूँ उसके बाद कुछ ना कुछ मुझे अप्लाई करना ही पड़ता है। घर बैठे कोई अच्छा फेशियल किट ढूंढ रहे हैं और कम बजट में, आई थिंक आपको इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। मैं भी जाके फेशियल करते हैं, रेट मिनिमम एक पार्लर में 1000 रुपीज की। आप डेफिनेटली इस फेशियल किट को ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 260 रुपीज के अंदर, मैं MRP पे ही कह रही हूँ, अभी मुझे डिस्काउंट पे मिला है, मुझे नहीं पता इन फ्यूचर डिस्काउंट रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर आपको 260 रुपीज में भी ये MRP पे ही मिलता है बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्यूब में जितनी क्वांटिटी है अभी भी मुझे लगता है कि मेरे फेस पे मैं इसको अभी भी 2 बार और इस्तेमाल कर सकती हूँ। आपका 3 बार फेशियल होता है, आपका 3000 रुपए खर्चा हो सकता है जिसको आप बचा सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस प्रोडक्ट को मैं कितने मार्क्स दूंगी आउट ऑफ 10, सो मैं इस प्रोडक्ट को आउट ऑफ 10 7.5 मार्क्स देना चाहूंगा। वीडियो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, ये रिव्यू आपको अच्छा लगा है। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपका फेवरेट फेशियल किट कौन सा है और आप कौन सी ब्रांड के फेशियल किट यूज करना पसंद करते हैं। सो मैं इन फ्यूचर उन प्रोडक्ट के ऊपर भी रिव्यू बनाना पसंद करूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी यूजफुल रिव्यू वीडियोस आपको मिलती रहे और मेकअप से रिलेटेड और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।